हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप। आज हम सीखने वाले हैं थ्री स्टेप जो बिगनर के लिए बहुत जरूरी है। बिगनर डांस करते टाइम बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको डांस करना, उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो हम इसे बहुत इजी और सिंपल तरीके से कैसे डांस में कर सकते हैं वो आज देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी जो बॉडी है उसे रिलैक्स करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में वार्म अप देखा है, तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है। मैंने पहली बार नहीं बोला है आपको, तो वार्म अप करने से क्या हो जाता है, अपनी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, हम हमारे मूवमेंट्स किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, हम दोनों भी अपने पैरों में डिस्टेंस लेंगे और 1 2 3 4 5 6 and 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 सिंपल सा स्टेप है। यहाँ मैंने क्या किया है, जब हम एक्चुअल पोजीशन में होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा जो काउंटिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, तब हमारे जो पैरों का जो डिस्टेंस है तब राइट लेग साइड जाता है, लेफ्ट लेग उसके बाजू में टैप करता है। लेफ्ट लेग बाजू में जाता है तो राइट लेग उसके बाजू में टैप करता है, करेक्ट। तो हम करते हैं कैसे करते हैं, 1 2 3 4 देखो मेरे हाथों के मूवमेंट्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं, हम सेम स्टेप करते हुए बहुत अलग अलग एक्शन कर सकते हैं, हाथों के मूवमेंट्स कर सकते। तो यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले अपना जो पैर है, पैरों को हमने यहाँ इंपॉर्टेंट दिया है, हमारे पैरों का मूवमेंट्स करते हैं, हमारे कमर पे हम हाथ रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो लेफ्ट लेग है उसे क्रॉस करेंगे, करेक्ट। हमारा लेफ्ट लेग है उसे क्रॉस करेंगे, सेम मूवमेंट करेंगे, करते हैं कैसे होगा, 1 2 3 4 यानी यहां मैंने क्या किया है, जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं तो मेरा राइट लेग क्रॉस होता है, और जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मेरा लेफ्ट लेग क्रॉस हो जाता है। काउंटिंग बहुत इजी है, 1 2 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7 8। यहां मैंने क्या किया है, अपना जो टोज है टोज को यहां मैंने से ट्विस्ट किया है, इजी, सिर्फ ट्विस्ट करने से हमारा एक्शन बन जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 and 7 8। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप वो होती है हमारी हाथों की मूवमेंट्स, सिंपल है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा हाथ ऊपर से लेके नीचे आएगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे हाथ ऊपर और नीचे आएगा, हाथों का एक्शन अप एंड डाउन है। तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7 8। सेम हम लेग्स करेंगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सिंपल से हमने 3 स्टेप देखे, उसमें से बेसिक फुटवर्क देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत सिंपल से स्टेप है, ये आप इजीली कर सकते हो, काउंटिंग पे करो बहुत अच्छे से स्टेप आपको बन जाएगा। हम इसमें कोई भी गाने में ऐड या स्किप कर सकते हैं,